Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next question is, PQRS is a kite in which PQ is equal to PS and QR is equal to SR. Show that PR is the perpendicular bisector of diagonal QS. A kite given hai aapko jisme PQ aur PS equal hai and QR and RS equal hai. Aapko ye show karna hai ki PR diagonal QS ka perpendicular bisector hai, matlab usko 90 degree pe cut kar raha hai and equal parts mein divide kar raha hai. Let us see how. First of all, jo figure aapko given hai, it is a kite. Kite matlab jo bhi unki adjacent sides hoti hai, they are equal. Two pair of adjacent sides, they are equal. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस आर. इसमें जो चीजें हमें गिवन है, फर्स्ट पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये गिवन है, एंड क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ये गिवन है, एंड पी आर इज इक्वल टू पी आर, ये कॉमन है. सो इन तीन सिचुएशंस की वजह से, इन तीन इक्वेशंस की वजह से, वी कैन से दैट द कंसिडर ट्राइंगल्स, जो हमने ट्राइंगल्स सपोज किए थे, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी एस आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. फाइन, अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो एंगल 1 एंड एंगल 2 फिगर में मार्क्ड हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. नाउ वी टेक अनदर सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ एस. इन दोनों में पी ओ एंड पी ओ दे आर कॉमन. नेक्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये प्रूव किया दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दिस इज बाय सीपीसीटी ऑफ द ट्राइंगल्स दैट वी टुक अर्लियर, जो हमने पहले ट्राइंगल्स लिए थे उनके सीपीसीटी में हमने ये प्रूव किया. नेक्स्ट पीक्यू इज इक्वल टू पीएस, इट इज गिवन टू अस. इन तीन चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल पीओक्यू एंड ट्राइंगल पीओएस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल. फाइन, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो वी कैन से दैट ओ क्यू और ओ एस ये दोनों आपस में इक्वल हैं बाय सीपीसीटी. अब ओ क्यू और ओ एस अगर ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, सो दैट मीन्स पी आर जो है वो क्यू एस डायगनल का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो अगर ओ क्यू और ओ एस इक्वल है, इसका मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. सो पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. अब हमें ये प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री पे कट करता है. सो एंगल 3 और एंगल 4 को अगर हम सीपीसीटी देखें तो ये दोनों इक्वल है, एंड इन दोनों को हमने अगर x सपोज कर लिया, सो वी कैन से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. और अगर ये दोनों ही x है तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मीन्स 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 डिग्री. सो सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि वो दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है. पी आर जो है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है क्यू आर डायगनल को. एंड नाउ वी प्रूव दैट एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री के हैं. इसका मतलब ये है दैट पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया. इक्वेशन नंबर 2 थी कि पी आर उसका बाइसेक्टर है क्यू आर का, एंड इक्वेशन नंबर 3 है दैट पी आर और क्यू एस दोनों परपेंडिकुलर है. इससे हम ये कह सकते हैं दैट पी आर इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस, हेंस इट इज प्रूव्ड.